के बाहर निकाला है मैंने इनको। तो धनंजय जी साहब ने कहा कि अपनी तुलना किससे करना चाहोगे, तो बाबा साहब कहते हैं कि मैं अपनी तुलना मोसिस से करना चाहूँगा। मोसिस बाइबल के करेक्टर हैं मोसिस, और कुरान में मूसा के नाम से भी इनको जानते हैं। तो एक मन में जिज्ञासा हुई कि मोसिस कौन व्यक्ति है, तो बाबा साहब कहते हैं कि मोसिस वो व्यक्ति है जिसने इसराइलियों को मिस्र की 400 साल की गुलामी से बाहर निकाला, और उस मोसिस ने उन इसराइलियों को बाहर निकालने के बाद, गुलामी से बाहर निकालने के बाद उनको 10 आज्ञाएं दी, 10 कमांडमेंट दी उनको, और ये कहा कि अगर ये मेरे अनुयायी मेरी 10 आज्ञाओं का पालन करेंगे तो ये 40 दिन में कनान पहुंच जाएंगे, कनान जो आज भी फिलिस्तीन का हिस्सा है, और वहां जाकर अपना राजपाट करेंगे। लेकिन मोसिस के अनुयायी ने उसकी बात नहीं मानी, और 40 दिन तो छोड़ो, 40 साल भी कनान नहीं पहुंच पाए, और मतलब कि 99% लोग रास्ते में जंगलों में भटकते भटकते मर गए। तकरीबन 2 लोग कनान पहुंचे थे उनमें से। तो बाबा साहब आगे कहते हैं कि इसी तरीके से मैंने अपने शोषित वर्ग को 2200 साल की गुलामी से बाहर निकाला है, और मैं इन्हें 22 आज्ञा देता हूँ, मैं इन्हें 22 आज्ञा देता हूँ, अगर मेरे अनुयायियों ने मेरी 22 आज्ञाओं का पालन किया तो ये आने वाले 10 सालों में मांगने वाले से देने वाले बन जाएंगे, उस भारत देश पर राज करेंगे। अगर मेरी इन आज्ञाओं का पालन नहीं किया तो ये अगले 100 सालों में वही आ जाएंगे जहां से मैंने इन्हें बाहर निकाला। आज इस बात को करीब करीब मेरे ख्याल से 65-70 साल हो गए हैं, और हम लोग ये हिसाब लगा रहे हैं बाबा साहब ने ठीक कहा था या गलत कहा था, अभी हम इसी पूरा भागने लगे हैं। लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि बाबा साहब की कोई भी चेतावनी व्यर्थ नहीं जाएगी, और देखते रहिएगा अगर हम लोगों ने अपने अंदर चेतना नहीं जगाई सही दिशा में चलने के लिए, तो दिन दूर नहीं है कि हमारे जो विपक्षी लोग हैं वो तो संविधान को खत्म करने की और हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर ही चुके हैं कि हम 2025 तक इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे, रामराज ले आएंगे, तो रामराज में हिंदू राष्ट्र में आपको पता ही है कि हमारी स्थिति कैसी थी। तो शायद हम फिर दोबारा से उसी मुहाने पर आगे खड़े होने के लिए तैयार हैं, या कि हम बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया, जय हिंद।